तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है छतरी वाली तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ से, से टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी साथ ही में इस फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत करेंगे फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके बताने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करेंगे साथ है मैं फिल्म तो तो छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन विध अमरेला ये एक दो हजार की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोसकर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस वाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक सौ सोलह मिनट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी करीब रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे दार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढींगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल क्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइज me अब बात करें साउंड ट्रेक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार चार गाने फिल्में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिक्स के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट रिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय स्कर ने जहां पे म्यूजिक के डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनी जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूं उसके लिरिक्स अखिल सच देवा ने लिखे हुए म्यूजिक सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बिलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पे चौथा गाना था टूटी गया उसके लिरिक्स सावेरी शवर्मा ने लिखे हुए थे

वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री इंजीनियर है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहां पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपने कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म कहानी से लटकी हुई अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की हुई फिल्म में जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले कल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए रिलीज दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जीफाइफ के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहाँ पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए है जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आये रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किया हुआ है सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओटीटी और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी5 के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट से वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो सी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी और चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है वुमन वन विमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस तिस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोशकर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक करंट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट के देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करते तो हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनित तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल राफ्ट कम्पलीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पर बेचा और डिसेंट प्राइज me. अब बात करें साउंड ट्रेक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए है लिरिक्स भी अलग अलग लिरिसिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंडट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना छतरी वाला वाली तो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिओस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिली चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूं उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा और सिरली सेतिया ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बिलरी ने और सिंगर थी सोनिजी चौहान गंधर्व और सतवा वहीं पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स ने लिखे हुए थे म्यूजिक दुर्गेश वहीं पे हिमानी कपूर दुर्गेश फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी की कहानी, दिंगरा के वो है, जहां पे उसकी नौले तो काफ़ी है, लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ टबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते हैं और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देते हैं तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुई अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए है और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट où il y a tu sais...

पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आये रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक फिल्म का क्रिएट किया हुआ था था वो बढ़िया बढ़िया सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी वे में किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली Z5 के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सबटाइटल टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स से है वो भी Z नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको Z सिनेमा और Z सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी

वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक सौ सोलह मिनट का करंट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओ राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुल सिंह सुमित सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुल प्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाले इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलुवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइज is me अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक थे वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जि म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जि म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिओस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिधी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूं उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी सरमा ने लिखे हुए थे म्यूजिक दुर्गेशर राजभ ने दिया हुआ था सुमित वहीं पे हिमानी कपूर कंपनी के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया तिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री इंजीनियर से जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते है यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म

आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ा चेंज करते रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी टी सेटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जीफाइफ के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 हजार तेईस इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहाँ पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 हजार वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहां पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई है रकुल प्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेज काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब विथ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स है वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो Z5 के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एची चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वुमन विथ अम्ब्रेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है

वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ सिद्धार्थी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने 116 सौ सोलह मिनट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुल प्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाले इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पर बेचा और डिसेंट प्राइज में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सच देवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए है लिरिक्स भी अलग अलग लिरिसिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021 22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूं उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा सत्या बिलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पे चौथा गाना था टूटी गया उसके लिरिक्स सावेरी शवर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक आर राजभट्ट ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर दुर्गेश आर राजपट ने इसको गाया हुआ था तो ये टोटल चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया थिंगरा के इर्द-गिर्द घूमती रहती है जहां पे रकुलप्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करती है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते हुए यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म कहानी सेट की हुई अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट हुई है फिल्म जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले लेकिन बाद में वो थोड़े चेंज करते हैं OTT रिलीज दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के OTT सेटलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी Zee5 के ऊपर जहां पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आप देखना चाहते हो तो सी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल विद, विद सब्सक्रिप्शन इंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा और एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है वुमन विथ अमरेला ये एक 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट प्रोड्यूस के, के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस टीओस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी हो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी से रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वही पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओ राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सान्या धींगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइस me. अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग लिर के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिजी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूं उसके लिरिक्स ने लिखे हुए म्यूजिक भी ने दिया हुआ था और अखिल सच देवात्या से ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बिलरी ने और सिंगर थी जी चौहान वही पे चौथा गाना था टूटी गया उसके लिरिक्स वर्मा ने लिखे हुए थे सार ने दिया हुआ था। वहीं पे हिमानी कपूर ने इसको गाया हुआ था ये टोटल चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा की इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री इंजीनियर है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते है यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म के कहानी सेट की फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े वो रिएक्ट करेंगे और साथ ही ट्राई सा, त्र, त्र, किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से हुई है फिल्म में जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे मैंने कहा कि फिल्म को पहले कल रिलीज देने थे लेकिन बाद में वो थोड़ चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहा पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आप देखना चाहते हो तो सी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल इंजॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है वुमन विथ अम्ब्रेला ये दो हजार की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है

वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी श्रुति बोरा ने जिन्हों ने एक सो सौ सोलह मिनट रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट के देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुल सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुल प्रीत ने इस फिल्म में सानिया धिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाले इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते तो हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया इस फिल्म में ढिंगरा अंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइस में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंडट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021 22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो तो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहा पे सिंगर सिंगर है सोन जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बिलरी ने और सिंगर थी सोनू जी चौहान गंधर्व और सचदेवा वहीं पे चौथा गाना था टूटी गया उसके लिरिक्स सावेरी शर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक

वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसकी नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहां पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते है यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म कहानी शेयर की हुई अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में फंसती है उन सभी चीज़ों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिससे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो ठोड चेंज करते हुए रिलीज दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जीफा एफ के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहाँ पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए है जिसमे आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई रकुल प्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओटीटी और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब विथ सब्सक्रिप्शन जहां पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट है से वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच डी चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन वन विमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस टीओस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो श्रुति बोरा ने जिन्हों ने एक सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी क्रिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओ राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुल प्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुल प्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाले इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलुवालिया इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनित तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइस में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म है जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए है लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिक्स के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डीसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021 22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिओस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिधि चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सचदेवा सतदेवात्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोडी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बेलरी ने और सिंगर थी सोनी चौहान गंधर्व और सच वहीं पे चौथा गाना था टूटी गया उसके लिरिक्स वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक आर राजभट ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर आर राजभट ने इसको गाया हुआ था टोटल चार गाने जिसको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट क्या हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इत घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस से जहाँ पे उसकी नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते हैं और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो तरह से से में फर्स्ट है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए हैं और साथ ही में सा कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट किए हुए है फिल्में जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटर रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ा चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जीफा एफ के ऊपर जहां पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहाँ पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहाँ पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई रकुल प्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आस के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफियर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किए हुए सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट है से वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने, देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टीओस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ रोनिस क्रू वाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक मिनट का एक रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी करीब रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओटीटी राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है, सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लाम्बा वाला इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढींगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची साह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनित तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल क्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइज me. अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक वो अखिल देवा, रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार चार गाने फिल्में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिक के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइज में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिवस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिधि चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूं

वहीं पे हिमानी कपूर दुर्गेश फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आप जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया धिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रे सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म की कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो से से में है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ा चेंज करते रिलीज दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जीफा के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आई एम फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है जहा पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी

तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आप देखना चाहते हो तो Z5 के ऊपर देखने को मिलेगी जहा पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सिनेमा सिनेमा और चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन विथ अमरेला ये दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है तेजस टियोस्कर ने वहीं पे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है रोनिस क्रूवाला ने इस फिल्म को प्रोडक्शन कंपनी आर एस वी पी मूवीज के नीचे एक मीडियम टू लो बजट के साथ बनाया हुआ था जहां पे इस फिल्म की कहानी को संचित गुप्ता और प्रिया प्रियादर्शी श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे हुए थे स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तैयार की हुई थी लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन था वो तेजस तियोस्कर का था वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने एक सौ सोलह मिनट कांट टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी करीब रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी के पास है ओ राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया धिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा लांबावाला इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या आपको निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर पे बेचा और डिसेंट प्राइस में अब बात करें साउंड के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा देवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहा पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म है जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए है लिरिक्स भी अलग अलग लिरिसिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे चौदह मिनट पच्चीस सेकंड का एक साउंड ट्रेक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको दो हजार में कम्पोज किया गया था दो तेरह जनवरी दो हजार तेईस को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करू तो पहला गाना वाला वाली तो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिल जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूं उसके लिरिक्स अखिल सच देवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सतदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सत्या ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोड़ी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बिल्री ने और सिंगर थी सोनिजी चौहान गंधर्व और सतदेवा वही पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी स्वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक राज ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी दिंगरा के इर्द गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री जीनियस है जहाँ पे उसकी नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरे फिल्म कहानी सेट की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिसे आप जरूर देख सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटरिकल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ी चेंज करते हुए रिलीज दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहां पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहाँ पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहा पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डायरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आये रकुलप्रीत सिंह का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफेयर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किया हुआ है सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली Z5 के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स से है वो भी Z नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको Z सिनेमा और Z सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो वुमन विथ अमरेला ये एक दो की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है

वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी सिद्धार्थ वासानी ने की हुई है इसके अलावा एडिटिंग किए हुए श्रुति बोरा ने जिन्होंने 116 सौ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट के देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओ राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुल सिंह सुमित सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुल प्रीत सिंह ने इस फिल्म में सानिया ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाले इंपोर्टेंट किरदार प्ले करते तो हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश तेलांग ने इस फिल्म में रजन कालरा भाईजी का रोल प्ले किया हुआ था प्राची शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग वो लखनऊ में की गई थी तो ज्यादातर लोकेशन बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओ के तौर तो पे बेचा और डिसेंट प्राइस में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक के वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहाँ पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए लिरिक्स भी अलग अलग से लिरिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रेक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दो जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट प्राइस में खरीदे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंड ट्रेक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको दो हजार में कम्पोज किया गया था दो हजार जनवरी दो को वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल अल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना है छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय त्योस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहाँ पे सिंगर सिंगर है सोनिधि चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहूं उसके लिरिक्स अखिल सचदेवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सचदेवा ने दिया हुआ था और अखिल सत्या बेलरी ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सतदेवा वही पे चौथा गाना था टूट ही गया उसके लिरिक्स सावेरी शर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक आर राजभट्ट ने दिया हुआ था सुमित वहीं पे हिमानी कपूर ने इसको कंपनी के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में सेट किया हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया दिंगरा के रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री इंजीनियर से जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते हैं यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म कहानी कि कैसे केओ अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा, कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें थी थी काफी बढ़िया तरीके से सेट की हुई है फिल्म में जिसे आप जरूर देख सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिए रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो चेंज करते रिलीज दिलवाई गई थी जहाँ पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जी फाइव के ऊपर जहाँ पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहां पे आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 वोट मिले हुए जिसमें 8 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला हुआ है गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किया हुआ है सभी की परफॉर्मेंसिस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओ और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म का सैटेलाइट राइट है से वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि छतरी वाली फिल्म अगर आप आप देखना चाहते हो तो सी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी और चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे छतरी वाली जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है वुमन विथ अमरेला ये एक दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज सोशल कॉमेडी फिल्म है

वहीं पे इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी श्रुति बोरा ने जिन्हों ने एक सौ मिनट का एक टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे से भी कम यानी कि एक घंटे छप्पन मिनट की देखने को मिलेगी तो फिल्म को काफी करिस्त रखा हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में मंगेश धाकड़े और रोहन रोहन ने काम किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्टली ओ रिलीज दिलवाई गई थी जिसमें जी एंटरटेनमेंट वालों ने इसके राइट्स खरीदे हुए जी फाइव के पास है ओ राइट्स अब हम बात करें इस फिल्म की कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में रकुलप्रीत सिंह सुमित व्यास सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जहां पे रकुलप्रीत सिंह ने इस फिल्म में सान्या ढिंगरा का रोल प्ले किया हुआ है सुमित व्यास को रोल दिया गया है ऋषि कालरा का सतीश कौशिक जो इस फिल्म में रतन लांबा वाला इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डोली अलूवालिया ने इस फिल्म में ढिंगरा आंटी का रोल प्ले किया हुआ है राजेश ने इस फिल्म में रजन कालरा भाई जी का रोल प्ले किया हुआ था शाह पांड्या को निशा कालरा के रोल में देखने को मिलेगी वहीं पे राकेश बेदी ने मदन चाचा का रोल प्ले किया हुआ था रीवा अरोरा ने मिनी कालरा का रोल प्ले किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म में पुनीत तिवारी भी देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को 2021 में अनाउंस किया गया था नवंबर 2021 में फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट किया गया था और मोस्ट ऑफ फिल्म की शूटिंग है वो लखनऊ में की गई थी तो ज़्यादातर लोकेशंस बेसिक ही सिंपल ही रखे गए थे जहाँ पे मोस्टली फिल्म को उत्तर प्रदेश में ही शूट किया हुआ था और पूरी फिल्म की शूटिंग को दिसंबर 2021 तक करीबन दो महीने के अंदर कंप्लीट करवाया हुआ था 40 से 60 दिनों के बीच में इस फिल्म की पूरी शूटिंग को कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मिक्सिंग के ऊपर काम किया गया था फिल्म की डबिंग करवाई गई थी इससे इसके बाद में इस फिल्म की एडिटिंग करवाई गई थी फाइनल ड्राफ्ट कंप्लीट होने के बाद फिल्म को सेंसर करवाया हुआ था वैसे पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने का फैसला किया गया था लेकिन मेकर्स ने बाद में इस फिल्म को डायरेक्टली ओटीटी के तौर पर बेचा और डिसेंट प्राइस में अब बात करें साउंड ट्रैक के ऊपर तो म्यूजिक वो अखिल सचदेवा रोहन रोहन के द्वारा कंपोज किया गया है जहां पे अलग अलग सिंगर्स के द्वारा इसको गवाया गया है वैसे तो चार गाने फिल्म में जो सभी चार अलग म्यूजिक डायरेक्टर ने कंपोज किए हुए है लिरिक्स भी अलग अलग लिरिस्ट के पास लिखवाए गए सिंगर्स भी अलग अलग है तो ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो उससे पहले बता दूं कि जी म्यूजिक कंपनी ने इस फिल्म के म्यूजिक के राइट डिसेंट प्राइस में खरीदे हुए थे 14 मिनट 25 सेकंड का एक साउंड ट्रैक है जिसमें टोटल चार गाने जिसको 2021-22 में कंपोज किया गया था 2023 13 जनवरी 2023 को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा रिलीज करवाया गया था तो इस फिल्म का जो फुल एल्बम है वो आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिलेगा जहाँ पे चार गाने ट्रैक लिस्टिंग करो तो पहला गाना छतरी वाला वाली जो एक टाइटल ट्रैक है इसके लिरिक्स लिखे हुए तेजस प्रभा और विजय तिओस्कर ने जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में रोहन रोहन ने काम किया हुआ है जहा पे सिंगर सिंगर है सोनिल जी चौहान दूसरा गाना है मैं तेरी ही रहू उसके लिरिक्स अखिल सच देवा ने लिखे हुए म्यूजिक भी अखिल सच देवा ने दिया हुआ था और अखिल सतरी ने मिलकर उसको गाया हुआ था स्पेशल एडिशन कोड़ी करके तीसरा गाना था उसके लिरिक्स सत्या कार्य खारे ने लिखे हुए थे म्यूजिक दिया हुआ था सुमित बिल्री ने और सिंगर थी सोनी जी चौहान गंधर्व और सच देवा वहीं पे चौथा गाना था टूटी गया उसके लिरिक्स सावेरी स्वर्मा ने लिखे हुए थे म्यूजिक सार राज ने दिया हुआ था वहीं पे हिमानी कपूर के ऊपर सुन सकते हो अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो प्लॉट के बारे में बातचीत करें तो उसको करनाल में से क्या हुआ है पूरी फिल्म की कहानी सानिया तिंगरा की इद गिर्द घूमती रहती है जहाँ पे रकुल प्रीत सिंह वो रोल प्ले कर रही है वो एक फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट केमिस्ट्री इंजीनियर से जहाँ पे उसके नॉलेज तो काफी परफेक्ट है लेकिन उसको काम उस तरह का नहीं मिल रहा है जहाँ पे वो एक अच्छी जॉब की फिराक में उसी टाइम के बीच में वो अपने स्किल को यूज करते हुए कुछ सोसाइटी के कुछ डबू है उसके सामने इम्पोर्टेंट जो इश्यू है उसके सामने वो इन सभी चीजों को यूज करते है और अपना जो एजुकेशन है उसको यूज करते यूथ को सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक प्रॉपर नॉलेज देती है तो इन सभी चीजों में पूरी फिल्म के कहानी सेड की हुए अब उसकी फैमिली वाले उसके साथ में जो जितने भी जुड़े हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे और आगे जाके वो किस तरह से कैसे मैटर में, में फंसती है उन सभी चीजों के बीच में कुछ सोशल एलिमेंट डाले हुए और साथ ही में सा कुछ कॉमेडी ट्राई किए हुए तो ये सभी चीजें काफी बढ़िया तरीके से सेड किए हुए फिल्म है जिसे आप देख सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म को पहले थिएटर कल रिलीज देने वाले थे लेकिन बाद में वो थोड़ा चेंज करते हुए ओ रिलीज दिलवाई गई थी जहां पे जी द्वारा इस फिल्म के ओ टी म्यूजिक सभी राइट्स खरीदे गए तो ये फिल्म आपको 20 जनवरी 2023 से देखने को मिली होगी जीफा एफ के ऊपर जहां पे 20 जनवरी 2023 इस फिल्म की रिलीज डेट थी और इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ जहाँ पे आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 8000 हजार वोट मिले हुए है जिसमे आठ की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई है और इस फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला हुआ है जहा पे फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है जो कॉमेडी एलिमेंट है जिस तरह से जो सोशल एलिमेंट है जिस तरह से जो टॉपिक चूज किया हुआ है उसको जिस तरह से स्क्रीन प्ले में डाला हुआ था जो फिल्म के डायलॉग्स थे वो सभी चीजें जो डिरेक्शन थी वो सभी चीजें लोगों को पसंद आई का जो किरदार है जिस तरह से डेवलप किया हुआ था उसके आसपास के किरदार को जिस तरह से सपोर्टिंग रोल में यूज किया हुआ था जो एक एटमोसफेयर फिल्म का क्रिएट किया हुआ था वो बढ़िया था सिनेमेटोग्राफी काफी बढ़िया देखने को मिलती है एडिटिंग में भी काफी अच्छा काम देखने को मिलता है फिल्म को काफी क्रिस्प वे में कंप्लीट किया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है फिल्म का जो एक थीम था उसके हिसाब से गाने और बैकग्राउंड स्कोर सेट किया हुआ है सभी की परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है लीड एक्टर से लेकर सपोर्टिंग एक्टर सभी ने काम बढ़िया किया हुआ है जहाँ पे ओटीटी और सैटेलाइट पे इस फिल्म को कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो उसके ऊपर बातचीत करें तो छतरी वाली फिल्म आप ऑफिशियली जी के ऊपर एंजॉय कर पाओगे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जहां पे इस फिल्म का सेटेलाइट राइट है से वो भी जी नेटवर्क के पास है तो ये फिल्म आपको जी सिनेमा और जी सिनेमा एच चैनल के ऊपर छतरी वाली नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ छतरी वाली फिल्म अगर आप आपको देखना चाहते हो तो जी फाइव के ऊपर देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे इस फिल्म का जो सेटेलाइट वर्जन है वो आपको जी सिनेमा और उसी एच डी चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाला है तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे तो बस गाय इस छतरी वाली फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म दी हुई है साथ ही में इस फिल्म के ऊपर एक डीप में रिव्यू की हुई है जहां पे मैंने स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस बारे में बातचीत की हुई है फिल्म की कहानी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन एनालिसिस और साथ ही में कुछ चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए साथ ही में इस फिल्म की म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक प्रॉपर एनालिसिस हो चुकी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू